गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइमोवेजोटेक चैनल में। तो आज से हम केमिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जीएस में यानी जनरल साइंस में हमारा बायोलॉजी की जो टॉपिक्स थे वो हमने सारे के सारे टॉपिक के ऊपर मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी है। बाकी आज से हमारा केमिस्ट्री का जो कोर्स होगा, केमिस्ट्री का जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा। और हमारा जो टॉपिक आज का होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया किन के बीच में होती है, वो सब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप हमारे साइमोवेजोटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और कोर्सेज प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं सबसे पहले वो जानते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस करानी होती हैं, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मान के चलिए ए और बी का हमने ए और बी को हमने प्लस किया, यानी कि रिएक्ट कराया, और एक रिएक्शन के थ्रू हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन किन के बीच में होती है, और पीरियडिक टेबल के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम हमारी केमिकल रिएक्शन में, कि इसको सीखने के लिए हमें इससे पहले और क्या क्या चीज़ें जाननी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है पीरियडिक टेबल, ठीक है। पीरियडिक टेबल में क्या होता है कि हमारे जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, एक फर्स्ट ग्रुप हमारा ये है, सेकंड ग्रुप हमारा ये है, फिर आते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट ग्रुप होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन एट ग्रुप में हमारे मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, सबसे पहले हमें इनकी बैलेंसी निकालनी होती है, ठीक है। तो बैलेंसी कैसे निकालते हैं वो भी आपको आनी चाहिए। बैलेंसी निकालेंगे तभी हमारी जो केमिकल रिएक्शन होगी उस वो बैलेंस हो पाएगी, ठीक है। और हमारी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारी केमिकल रिएक्शंस, हमारी जो भी रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं होती है, तो वो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीरियडिक टेबल तो याद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनमें कम से कम 50 तक तो पीरियडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद करके ही रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कॉमनली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली इन्हीं का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, ये हमारे पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स और एटम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स और एटम क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, इसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, कि हमारा सबसे पहले आते हैं हम कि एलिमेंट क्या है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट इज एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री में कि हमारा एक अष्टक नियम होता है, ठीक है, अष्टक नियम, जिसे ऑक्टावेज लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्टावेज का लॉ जो होता है उसमें बताया गया है कि हमारा जो भी एटम होता है, ठीक है, जो भी एलिमेंट होता है उसमें ऐसे कक्षक बने हुए होते हैं, ठीक है, कक्षक बने हुए होते हैं। जैसे हमारे हाइड्रोजन का एटॉमिक, जैसे हमने हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका जब अष्टक नियम हम निकालेंगे तो हमारा जो हाइड्रोजन का बनेगा यहाँ पर सिर्फ एक परमाणु आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सिर्फ एक परमाणु आएगा। तो इसका जो अष्टक का नियम होता है, यानी कि इसका जो अष्टक होता है वो पूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो कक्षक होते हैं इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फोर्थ नंबर का जो होगा उसमें 18, फिफ्थ नंबर का जो होगा उसमें 32, ठीक है, इस तरीके से हमारे ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लास्ट का जो भी कक्षक होगा वो फिल नहीं होगा जब तक, तब तक ये हमारा अष्टक का नियम पूर्ण नहीं होगा, और अष्टक का नियम जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हमारा जो एलिमेंट है वो भी अस्थाई होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। वो अपने अष्टक को पूरा, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे हमारा हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है, इन दोनों को अपना अष्टक पूरा, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इन दोनों से साझा कर लेगा, मीन्स एक अदला बदल कर लेगा, यानी अपना इससे ले ले, इसको दे देगा और इसके अपने में ले लेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कुछ भी जो भी प्रोसेस करते हैं इसी इसी प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इन लोगों ने रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बनाने की ही प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स पे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो जिनका अष्टक यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब उनमें आते हैं हमारे सबसे पहले मेटल्स यानी कि धातु। धातु आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं, धातु जिनमें खुद की चमक होती है यानी कि वो खुद चमकते हैं। उसके बाद उनमें उत्पीड़न यानी उनमें लंबाई यानी उन्हें खींचने की, हम उन्हें खींचेंगे तो वो खिंच जाएंगे, तार का रूप ले सकते हैं, ठीक है। उनमें हम पीटेंगे तो उसमें भंगुरता नहीं होगी, ठीक है। अधातु जो होते हैं वो सेम एज इट इज़ धातु से बिल्कुल अलग होते हैं यानी कि बिल्कुल हटके होते हैं, मतलब कि एकदम क्या कहते हैं उसे, जैसे मेटल होता है, मेटल के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सारे के सारे एक भी कैरेक्टर अधातुओं में नहीं होते, यानी कि हमारे मेटल्स जो होते हैं मेटल चमकदार होते हैं, खुद खुद में खुद की चमक होती है इनमें, ठीक है। इनको खींचा जा सकता है, इनको पीटा भी जा सकता है, ये खींच भी सकते हैं, ये पिट भी सकते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं ना ही इनको खींचा जा सकता, ना ही ये चमकदार होते हैं, ना ही इनको पीटा जा सकता है, ठीक है। अब धातु जो होते हैं वो सारे के सारे प्लस यानी कि अब आयन आयन्स जो होते हैं वो होते हैं यानी कि धनात्मक आयन वाले होते हैं, और अधातु जो होते हैं वो ऋणात्मक आयन वाले होते हैं, और उपधातु जो होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन वाले होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो भी केमिकल रिएक्शन जो भी होती है, केमिकल रिएक्शन हमारी जो भी होती है, केमिकल रिएक्शन हमारी जो भी होती है वो सिर्फ प्लस और माइनस में होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा एनोड और कैथोड, जब एनोड और कैथोड दोनों मिलेंगे तभी जाके हमारे यहाँ वहाँ विद्युत प्रवाह होगी, नहीं तो विद्युत प्रवाह नहीं होती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बाकी इलेक्ट्रिसिटी अगर प्लस और माइनस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि धनात्मक और ऋणात्मक होना चाहिए, उसके बाद में ऋणात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक धनात्मक में हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होती है, वो नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, धातु हमारी मेटल होती है और अधातु हमारी नॉन मेटल होती है, यानी कि धातुओं में चमक खुद की चमक होती है और वो खुद से ही सब कुछ कर लेते हैं, यानी कि वो खुद से ही उनको खींचा या पीटा जा सकता है, और अधातु जो होते हैं इनमें ऐसे कोई से गुण नहीं पाए जाते हैं। और उपधातु क्या होते हैं, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब हम याद कैसे रखेंगे, हम क्या है हमारी जो टेबल है यानी हमारी जो पूरी की पूरी बैलेंसी यानी संयोजकता के लिए हमें बैलेंसी निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बताओ कि हमारी जो मेटल है और नॉन मेटल वो क्या है, ठीक है। तो हम आते हैं पीरियडिक टेबल पे। अब पीरियडिक टेबल में आने के बाद हमने देखा कि हमें बताओ कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारा जो तीसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप जो हमारा है इसमें से आप लोगों ने चेस तो खेला होगा, तो उसमें जिगजैग वाली जो आपको दिखाई देती है आकृति, वैसी ही जिगजैग वाली आकृति यहाँ पे दिखाई देगी, कहाँ से, बोरोन से, ठीक है। हमने बोरोन लिया और बोरोन से जैसे आप लोगों ने देखा होगा चेस में हमारा जो कैमल होता है, ऊँट होता है, वो टेढ़ा टेढ़ा, उसकी जो चाल होती है वो टेढ़ी चाल होती है, ठीक है, टेढ़ी चाल होती है। तो टेढ़ी चाल में जितने भी, अब यहाँ से जितने भी आते हैं बोरोन सिलिकॉन आर्सेनिक टाइटेनियम ये सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, जितने भी हैं यहाँ तक आ जाते हैं, और फिर इसके बाद में ये जो येलो आपको दिख रहा है जर्मेनियम और ये दो और हमारे, यानी कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो 7 आपको एलिमेंट दिख रहे हैं ये क्या है हमारे उपधातु, ठीक है, इनको हम कहेंगे उपधातुएं, ठीक है। और इस साइड की जो धातुएं होंगी इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे अधातुएं, और इस साइड के हमारे जो होंगे ये सारी की सारी हमारी होंगी धातुएं। हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, इस ग्रुप के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं की है, ठीक है, ये ग्रुप अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप से हमारे जितने भी मेटल नॉन मेटल और मेटेनॉइड्स, ठीक है। तो ये हमारी मेटेनॉइड्स हो गए, कौन कौन से, ये येलो कलर के जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सारे हमारे मेटेलॉइड्स हैं, और बाकी ये जो ग्रीन कलर है ये सारे के सारे हमारे के मेटल्स हैं, सॉरी नॉन मेटल्स हैं, और ये जो लास्ट का हमारा ग्रुप है
ये इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल गैसेस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉर्मल गैसेस होती हैं, ठीक है, ये नॉर्मल गैसेस होती हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोजन, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रोमन, ये सारे के सारे हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कि हमने, और ये ध्यान रखें आप कि मेटल हमेशा, मेटल जितने जो भी होंगे उनकी जो बैलेंसी होगी, मेटल की जो भी बैलेंसी होगी हमेशा प्लस में आएगी, इस वजह से हमने यहाँ पे प्लस रखा है। और नॉन मेटल जो होंगे वो माइनस में आएंगे, यानी कि ऋणात्मक होंगे, जिनको हम ऋणात्मक भी, और जो उपधातु होंगे वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एलिमेंट, तीन एलिमेंट होते हैं हमारे, कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक। इसके बाद आएंगे हम संयोजकता यानी बैलेंसी निकालने पे, कि बैलेंसी कैसे निकालना होता है। सबसे इजी होता है हमें बैलेंसी निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने अष्टक नियम, अष्टक नियम में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हमें होती है उतने इलेक्ट्रॉन की ही बैलेंसी कहलाती है। जैसे मान के चलिए हम एक जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक यानी एटोमिक नंबर 1, ठीक है। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 1, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे 1 जब लेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो यहाँ पे इसके इसकी वैलेंसी हो गई प्लस 1, ठीक है। अब मान के चलो बेरिलियम हो गया, ठीक है, हाँ बेरिलियम के बारे में पढ़ते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, ठीक है, कितना होता है 4। अब इसमें क्या करेंगे कि बेरिलियम का जब हम बनाएंगे अष्टक नियम, तो दो परमाणु यहाँ आ जाएंगे और बचे कितने, 2, तो 2 हम बाहर वाले कक्षक में रख देंगे। अब क्या होगा, आप ये बताइए कि 2 एटम को बाहर, मतलब 2 एटम को दान देना सही रहेगा, इजी रहेगा, या 6 एटम को लेना इजी रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हम 2 एटम जो होंगे उनको हम दान दे देंगे, ठीक है, उनको हम दान दे देंगे। तो उनको हमने अगर दान दे दिया तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमने कितने एटम्स को दान दिया, 2 को, तो यहाँ पे हमारी बैलेंसी आ जाएगी प्लस 2, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद चलो मान के चलते हैं नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन का होता है 7, नाइट्रोजन का एटोमिक नंबर कितना होता है हमारा, 7। चलो अब नाइट्रोजन का करके देखते हैं तो क्या होगा, नाइट्रोजन में पहले में आएंगे 2 और दूसरे में आ जाएंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको कितने कितने परमाणु की ज़रूरत है, 3 परमाणु की ज़रूरत है, ठीक है, कितने परमाणु की ज़रूरत है, 3, क्यों, क्योंकि 5 के बाद 6, 7, 8, 5 में हम 3 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएंगे, तो और 8 अगर हमारे पास हो जाएंगे तो हमारा अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम कि प्लस 3, यानी कि हमने 3 एटम इसको, 3 परमाणु इसको दे दिए, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो इसने कितने, इसको कितने परमाणु की ज़रूरत पड़ी, 3 की, तो यहाँ पे हम ये माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस के 3। अब ये याद रखना कि हमने माइनस और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मेटल प्लस में होते हैं, नॉन मेटल माइनस में होते हैं, और जो प्लस माइनस में होते हैं वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था, क्लियर हो गया। ये ऐसे हम बैलेंसी निकालते हैं। बैलेंसी निकालने के लिए और भी होते हैं, जैसे कि अभी हम देखते हैं ये, जैसे बैलेंसी निकालना है हमें, ठीक है, इसमें क्या क्यों हुआ, सल्फर का परमाणु क्रमांक, ये सल्फर के परमाणु हैं और यहाँ पे आ जाएंगे, हमने निकाला H2SO4, ठीक है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा H2SO4 का, पहले हम छोटे छोटे निकालते हैं, इसके बाद हम H2SO4 का निकालेंगे। जैसे क्लोरीन का, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है, अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 हो गया, तो 17 में क्या करेंगे हम, इसका जो विन्यास होगा ये ना, वो कैसे होगा, 2, 8, 7, ठीक है। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने परमाणु की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 1 परमाणु की, क्योंकि 7 इसके पास है, तो यहाँ पे इसकी जो बैलेंसी होगी वो हो जाएगी -1, ठीक है। आप लोगों को इसमें दिख रही होगी बैलेंसी वाली टेबल में कि जो हमने किया है, जो बैलेंसी निकली है वो भी -1 में आ जाएगी, ठीक है, ये -1। ये ध्यान रखें कि पहला ग्रुप प्लस, पहले ग्रुप में +1 होती है, दूसरे ग्रुप में +2 होती है, तीसरे में +3, चौथे में +4, यानी कि यहाँ पे 13 नंबर का होगा, ये 14 नंबर का होगा, ये 15 होगा, ये 16, 17, 18, ठीक है, जिसमें से थर्ड ग्रुप हमारा कौन सा होगा, 13वां वाला, फोर्थ ग्रुप हमारा होगा 14वां वाला, ठीक है, ऐसे करके। और ये ध्यान रखें कि बैलेंसी हमेशा
प्लस फोर या माइनस फोर से ज़्यादा नहीं होती है, इससे ज़्यादा हमारी जो बैलेंस ही होगी वो नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अष्टक होता है उसमें चार चार से ज़्यादा नहीं हो सकते, चार से कम नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट है, एट के हाफ हम करेंगे तो फोर ही आएंगे, ठीक है। अब चाहे हम कितने अंदर तक ही लेके जाएं, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये तो हमारे थे मतलब हमने निकाले, जैसे हमें लिथियम का निकालना है, ठीक है, मान लो लिथियम का निकालना है तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है तीन, ठीक है। अब तीन का कैसे निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा वन टू और ये वन थ्री। अब इसमें ये बताइए आप कि लिथियम में हमने ये किया तो इसमें अब हमें सेवन लेना ज़्यादा इजी होगा या एक दान देना इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हम दान दे देंगे तो यहाँ पे हमारा ये प्लस वन इसकी बैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। बैलेंसी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अष्टक नियम के ऊपर से। जिस किसी का अष्टक कम है यानी कि पूरा नहीं है, यानी कि जिसको जितने परमाणु की ज़रूरत है जिसको जितने परमाणु की ज़रूरत है उतने परमाणु का चार्ज लग जाएगा, और जैसे चार्ज लगेगा वैसे ही वो हमारी बैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। और जिसको जितने परमाणु की कमी है उनका चार्ज लग जाएगा तो वो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे आप देख लेते हैं, हम सोडियम का देख लेते हैं, सोडियम का देखते हैं Na 11 होता है, ठीक है। 11 में इसका विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और 1, ठीक है, 1 होगा। अब इसमें क्या होगा, 1 डोनेट करना सही होगा या 7 लेना सही होगा, हम एक देंगे, एक देना सही होगा या लेना सही होगा, तो यहाँ पे एक देना सही होगा और एक हमने दिया तो मतलब ये प्लस में, जो हम देते हैं तो यानी कि हम प्लस है, प्लस यानी कि हम दाता है तो हम धनी है, ठीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि प्लस किस पे होगा और माइनस किस पे होगा, तो जो दान देता है वो प्लस में आएगा और जो लेता है वो माइनस में आएगा। माइनस यानी कि कंजूस, ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको हम दे देते हैं, और जो प्लस यानी कि धनी आदमी, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये चार जा जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लोरीन का निकाला, हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर याद हो, एटॉमिक नंबर से हम अष्टक नियम को का पालन करते हुए हम हमारा जो बैलेंस है वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है, तो फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, क्या होगा, देखिए। अब इसमें सारे के सारे आपको ये भी दिख रही है, टेबल भी दिख रही है, और आपको फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले हम कैसे बनाएंगे, अब Na सोडियम में कितना दिया है आपको, प्लस वन, क्लोरीन में माइनस वन, ठीक है। अब फिर सोडियम का प्लस वन, सारे सोडियम में प्लस वन ही होगा। सल्फर में क्या होगा, सल्फर का देखिए, सल्फर का होगा माइनस टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का होगा माइनस टू। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसी को एक्सचेंज कर देना, जैसे कि Na क्लोरीन की बैलेंसी इसमें दे देना है और Cl की बैलेंसी इसमें दे देना है, कुछ नहीं, सिर्फ अब Na 1 और Cl 1, ठीक है। 1 और 1 से प्लस और माइनस है तो ये अपने आप एक दूसरे से कट हो जाएगा, ठीक है, कट भी नहीं होगा तो 1 और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब सेकंड वाला जो हमें बनाना है, तो हमने क्या किया, माइनस टू जो Na के ऊपर है वो हमने S के ऊपर है वो हमने Na के कर दिया और S के ये कर दिया, तो ये हो जाएगा Na2S, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही N नाइट्रोजन में कितना है, माइनस थ्री, इसमें क्या होगा, Na3 N, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो भी रिएक्शन होगी वो प्लस और माइनस में होगी, ठीक है, प्लस प्लस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। जैसे Ca जो है इसका क्या होगा, प्लस टू और इसका माइनस टू, तो अब हम इसको CaO लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने लिखा Ca2 और O2, टू और टू का कोई मतलब नहीं होता, टू और टू हमने अगर करेंगे तो 2/2 करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा CaO ही कहलाए, ठीक है। ऐसे ही Ca, तो Ca पे भी हमारा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस टू होगा, और क्लोरीन पे कितना होगा, माइनस वन होगा, तो ये हो जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब जैसे सी ए और प्लस एन होगा, तो सी ए का हमारा परमाणु क्रमांक होगा टू, सॉरी वैलेंसी होगी टू, और नाइट्रोजन की हमारी होगी माइनस थ्री, माइनस थ्री ही होगी ना, हाँ माइनस थ्री। अब क्या होगा, सी ए थ्री एन टू, क्लियर हो गया। इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, ए एल है तो ए एल का हमारा क्या होगा प्लस थ्री, और सी एल का होगा माइनस वन, ठीक है। ए एल सी एल थ्री, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे हम फॉर्मूले को बना सकते हैं आराम से, ठीक है। जैसे हमने ये हमारी सारी के सारी रिएक्शंस के थ्रू ही बन रही हैं, ठीक है। जैसे एन ए को और सी ए को हमने, एन ए को और सी एल को हमने मिक्स किया, एन ए और सी एल को हमने मिक्स किया तो क्या प्रोडक्ट बना, एन ए सी एल। तो ये हमारी एक हमारी केमिकल रिएक्शंस हो गई, ठीक है जी। हमने केमिकल रिएक्शन से एक फॉर्मूला बनाना सीखा, ठीक है। बैलेंसी टेबल में आपको याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ग्रुप में, ठीक है। एट्थ ग्रुप जो हमारा होता है वो हमारा होता है पूरे नॉबल गैसेस का, ठीक है। नॉबल गैसेस का भी अलग से टॉपिक है, हाँ ठीक है। अब ये हमने फॉर्मूलेस पढ़ लिए, ठीक है, चलिए फॉर्मूले हो गए हमारे। अब फॉर्मूले पढ़ने के बाद ये बताइए कि एन ए और सी एल इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो इनके बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बने, ठीक है। इनके बीच में क्या बने, बॉन्ड बन गए, यानी कि ये हमारे आयोनिक कंपाउंड बन गए, है ना। बॉन्ड बने, बॉन्ड किन में बनते हैं, हमारे कंपाउंड्स में, यौगिकों में, ठीक है। और जैसे एन ए था हमारा, तो एन ए का परमाणु क्रमांक कितना था, टू एट वन, ठीक है। हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, टू था एट था वन, यानी अंदर वाले कक्षक में दो थे, बाहर वाले में आठ थे, और सबसे बाहर वाले में एक था, ठीक है। और क्लोरीन के में टू एट सेवन, यानी कि इसे सिर्फ और सिर्फ कितने की ज़रूरत थी, एक की, और इसको कितने की ज़रूरत है, सेवन की। तो इसने क्या किया, ये वन यहाँ पे लेके सेवन को दे दिया, तो इसका अष्टक जो था वो पूर्ण हो गया, ठीक है। तो एन ए प्लस हो गया। एन ए प्लस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने भी बताया था इसने एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, और दान देने वाला क्या होता है, धनी होता है, और धनी को हम लिखते हैं धनात्मक, यानी कि प्लस, ठीक है, क्लियर हो गया। और माइनस यानी कंजूस, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो ये एन ए प्लस और सी एल माइनस हो गया, इसको हम कहेंगे सोडियम, ये सोडियम आयन हो गया, और ये हो गया क्लोराइड आयन, ये सोडियम क्लोराइड, हमारा सोडियम क्लोराइड पूरा बन गया, ठीक है। अब सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं, ये तो हमने पढ़े थे, क्या हुआ, इसने इसको दान दे दिया, ठीक है। एक बात होती है कि दान देना, दूसरी बात होती है यानी कि इसने इसको एक अपना जो अणु, मतलब एक जो अणु था वो दान दे दिया, एक एटम दान दे दिया। अब ये दान देने के बाद इसको वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। क्या आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि हम मंदिर गए, और मंदिर में जाने के बाद हमने एक व्यक्ति को कुछ पैसे दान दे दिए, ठीक है, जो बाहर वो लोग बैठे रहते हैं उनको हमने दान दे दिए, ठीक है। अब क्या आपके पास जिस दिन पैसे नहीं होंगे उस दिन आप उसके पास जाके उससे पैसे मांग लोगे क्या, नहीं मांग सकते ना, क्योंकि आपने वो चीज़ दान दे दी, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक दूसरे को दान दे देते हैं, ठीक है। उसने सोडियम था, उसने कहा मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, मेरा अष्टक भी पूर्ण नहीं हो रहा है, तो एक काम करो क्लोरीन तुम रख लो, मेरा एक एटम तुम रख लो, तो जिससे तुम्हारा अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और तुम्हारा अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो तुम भी स्टेबल हो जाओगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो उसने कहा चलो ठीक है भैया दे दो, फिर मांगना मत मुझसे। तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं मांगूंगा, तो उसने उसको दे दिया। तो उसने जैसे ही उसको दिया वैसे वो एन ए प्लस और सी एल माइनस हो गए, यानी कि एन ए देने वाला दाता हो गया, यानी उसको प्लस पॉइंट मिल गए, और क्लोरीन ने ले लिया तो उसके पास माइनस पॉइंट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही आयनिक यौगिक हो गए। अब सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अणु साझा कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, यानी कि पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप कर लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे दो घर बन रहे हैं, एक घर की एक ही दीवार है, उसको उसने कहा तुम भी यूज़ कर लो और मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये उन्होंने एक घर की दीवार को दो घर वालों ने डिवाइड कर दिया, अपने पास में रख लिया कि तुम भी इसे यूज़ करो मैं भी इसे यूज़ करता हूँ, यानी एक दूसरे को हम लेने देने का काम कर सकते हैं, साझा, ठीक है, साझा समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना, नाम से ही क्लियर हो गया कि साझा करना। तो इसमें क्या होता है कि सी एच फोर,
CH4 जो हमारा फॉर्मूला होता है किसका होता है, मीथेन का, ठीक है। CH4 हमारा मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या काम करता है, उसका यही काम होता है, यानी कि उसने क्या किया कि कार्बन के पास, कार्बन की हमारी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है हमारी 4, ठीक है, माइनस के 4, सॉरी प्लस का 4। अब हमारा कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि ये 4 क्यों होती है, क्योंकि इसका जो अष्टक होता है वो अपूर्ण होता है, कितना होता है, 2 यहाँ आ जाते हैं और 4 यहाँ आ जाते हैं। क्यों 4 आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और इसका जो विन्यास होता है वो 2 और 6 होता है, यानी इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने एटम की ज़रूरत पड़ेगी, 2, ठीक है, 2 एटम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब क्या होगा, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और यहाँ पे आ जाएंगे 2 और 4, इसे कितनी एटम की ज़रूरत पड़ेगी, 4 एटम की, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक नंबर मतलब विन्यास जो होगा 2 और 4 होगा, क्या होगा, 2 और 4। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने एटम की ज़रूरत पड़ेगी, 4 एटम की, ठीक है। तो 4 एटम ये कहाँ से लेकर आए, तो ये क्या काम करता है कि हाइड्रोजन के चार एटम को, चार मॉलिक्यूल्स को ले लेता है। क्यों ले लेता है, इस तरीके से, ये ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो कार्बन के एटम है, ठीक है, और जो जो रेड कलर के दिख रहा है वो हमारे हाइड्रोजन के, ठीक है। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन को भी एक एटम की ज़रूरत है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और कार्बन को भी एक एटम की, मतलब 4 एटम की, तो उसने 4 हाइड्रोजन को बुलाया अपने पास और कहा कि मेरे 4 ले लो और मुझे अपने 4 दे दो, यानी कि मेरे पास आकर समट जाओ तो तुम भी स्टेबल हो जाओगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है। तो उसने कहा तुम भी स्टेबल हो जाओगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा, उसने कहा ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर हमारा सी और एच और 4 यहाँ पे हमारे बॉन्ड भी बन जाते हैं, ये एच सिंगल बॉन्ड बना है, यानी कि एक एक एटम को लिया गया है, ठीक है, यानी कि एच के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, यानी एक, ठीक है, साझा किया गया है यहाँ पे, एक एक एटम का साझा किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्टेबल हो गए, ये हमारे स्टेबल हो गए। जैसे ही स्टेबल होते हैं हमारा को हमारी रिएक्शंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये हमारे एक फार्मूला बन जाता है CH4 में, जिसको हम मीथेन कहते हैं। मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस पता ही आपको कहाँ कहाँ से रिलीज़ होती है, जैसे कीचड़ वाली जगह से रिलीज़ होती है और धान के खेतों से रिलीज़ होती है और जो गाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर से रिलीज़ होती है। ऊँट से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस रिलीज़ होती है, क्योंकि वो मीथेन वो जो गाली करता रहता है ना, तो उसके पेट में मीथेन बनती है, तो वो मीथेन वहाँ से होती है। और फिर जो हम खाद वगैरह बनाते हैं उससे भी मीथेन निकलती है, गाय के गोबर से भी मीथेन बन निकलती है, बहुत जगह से मीथेन निकलती है, ठीक है। तो जो मीथेन निकलती है उसकी प्रोसेस यही होती है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहले हम आते हैं कोर इलेक्ट्रॉन पे। तो कोर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमारे अंदर के कक्षकों में पाए जाते हैं, ठीक है, अंदर के कक्षकों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो हमारे बैलेंसी में काम आते हैं, ठीक है, यानी जो हमारी बैलेंसी में काम आएंगे वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो हमारे कोर इलेक्ट्रॉन यानी कि बैलेंसी में हमारे काम नहीं आएंगे, यानी कि उनसे वो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेते, रिएक्शन में सिर्फ हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेते हैं, क्यों भाग लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या होता है कि जैसे कि अभी ये एक सोडियम का सोडियम एटम है, ठीक है, तो सोडियम एटम में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन पूछना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 और 8, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर यानी कि अंदर के कक्षक के, और जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा बचा है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बाहर होते हैं, ठीक है। इसके बाद रासायनिक बंध के प्रकार, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड सबसे पहले 3 टाइप के होते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यानी कि देना, दान देना और लेना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने का काम करेंगे। सहसंयोजक बंध में साथ में साझा करेंगे,
ठीक है, ये साझा करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, और उप सहसंयोजक बंध में ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आयनिक बंध जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को देना और लेने का काम करते हैं, और सहसंयोजक बंध क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, यानी कि बांट लेते हैं एक दूसरे में। उप सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन युग्मों को एक साथ, जितने भी इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं उनको, उनका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं आयनिक बंध पे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले बॉन्ड जो हमारे बनते हैं वो प्लस और माइनस में ही बनते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया है इसमें, एन ए, एस का मतलब होता है यहाँ पे सॉलिड, ठीक है, और जी का मतलब होता है गैस। ठीक है, सॉलिड और गैस। अब क्या होगा, सॉलिड है यानी कि मेटल है, गैस है यानी कि नॉन मेटल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, हमें आयोनिक बॉन्ड बनाना है, आयोनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध बनाना है। ये हमारे प्लस और माइनस जो होते हैं इनको आयन कहते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड आयन बनाना है। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमें एन ए और सी एल का निकालना है। ठीक है, तो एन ए यानी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और इसका विन्यास क्या होगा, 281। क्लोरीन का होगा 287, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर एन ए प्लस क्यों होगा, क्योंकि जो अपना वन इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे दान दे देता है, तो ये 7 से यहाँ पे 8 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सी एल माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस होगा यानी कि इनका अष्टक जो था वो पूर्ण हो गया, और ये एन ए सी एल सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आयोनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आयोनिक बॉन्ड में हमारा आता है जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा के सी एल बन जाएगा, के प्लस और सी एल माइनस। ठीक है, जैसे एम जी बन जाएगा, एम जी प्लस और सी एल माइनस, सी ए प्लस सी एल माइनस, एम जी प्लस बी आर माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे एम जी प्लस और बी आर माइनस हो गया, ऐसे ही सारे के सारे जितने भी हमारे बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड जैसे जो बनाने होते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं, यानी प्लस और माइनस में ही बनते हैं। प्लस यानी कि जो देने वाला होता है, माइनस जो लेने वाला होता है। ठीक है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। अब हमने आयन देखे, तो आयन क्या होते हैं, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो तो वह परमाणु विद्युत आवेश युक्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को हम आयन कहते हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो हमारे पास प्लस का आयन होगा। ठीक है, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हमारे पास माइनस का। ठीक है, अब प्लस को हम कैटायन कहते हैं और माइनस को हम एनायन कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमारे आयन हो गए। ठीक है भैया, इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड आते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़े जो आदान प्रदान करते हैं। कोवलेंट सहसंयोजी आबंध होते हैं, वह रासायनिक आबंध जिनमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होता है। सहभाजन मींस डिवाइडेशन नहीं होता है, एक साथ वो एक साथ उसी चीज को उसी चीज से गुजारा कर लेते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एच और एच हाइड्रोजन है, हमने हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, एटॉमिक नंबर एक होता है। ठीक है, और फिर इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने एटम की जरूरत पड़ेगी, एक एटम की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसकी क्रिया हमारे फिर से हाइड्रोजन से करा देंगे, तो हाइड्रोजन के पास एक और एटम है, तो एक एटम इसका और एक एटम इसका दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, इतनी सहसंयोजक बॉन्ड में हमारा कोवलेंट बॉन्ड ये हो गया। क्या हो गया कि हमने एक दूसरे का एटम लेके अपने अष्टक को पूरा कर लिया। चलिए ठीक है, कर लिया। अब हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड में यानी हमने सिर्फ एक एक एटम का आदान प्रदान किया, तो ये सिंगल हो गया। डबल बॉन्ड यानी दो का, जैसे ऑक्सीजन का दिखाया आपको, ओ टू का दिखाया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 2, 6। ठीक है, तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने एटम की जरूरत है, दो। ठीक है, और दूसरा 2 और 6, तो इसको अपना करने के लिए कितने की जरूरत है, दो।
ठीक है। तो अब ये क्या काम करेंगे कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो, तीन, चार, पांच, छः, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ लगा लिए, दो, तीन, चार, पांच, छः, ठीक है। ये छः ले लिए। अब इन्होंने क्या किया कि अपने जैसे ये वाला ऑक्सीजन है, तो इसने इतने एटम लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, यानी 8 एटम हो गए, और इसने अपने ये एटम लेके अपना अष्टक को पूरा कर लिया, ठीक है। तो इनके बीच में कितने एटम, कितने अणुओं का वो हुआ, दो का, ठीक है। यानी कि हमारे एक ऑक्सीजन ने अपने दो अणु किसको दिए, दूसरे ऑक्सीजन को, और दूसरे ऑक्सीजन ने अपने दो अणु किसको दिए, दूसरे ऑक्सीजन को, तो दोनों के मिलाए तो दो, जब जहाँ पे दो दो अणुओं का होता है, मतलब दो अणुओं का साझा होता है, तो वहां पे डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। जहां पे एक एक अणुओं का हो वहां पे सिंगल बॉन्ड, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड यानी तीन का हो, यानी नाइट्रोजन में 7 होता है तो 2 और 5, तो इसे 3 की जरूरत रहती है, तो ये नाइट्रोजन से ही रिएक्शन करता है, तो इसको भी 3 की जरूरत होती है, तो ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 4 5, 4 5, ठीक है। तो 5 5 दोनों के पास रहते हैं, लेकिन ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सहसंयोजकपन। तो आज हमने पढ़ा एटम क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटेलॉइड्स क्या है, और आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हमारा जो रहेगा वो हमारा होगा, सबसे पहले तो क्या कि हमने जो बॉन्ड पढ़ा, उपसहसंयोजक बंध जो है वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। सहसंयोजक बंध हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक 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 इलेक्ट्रॉन जाते हों, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, सॉरी साझा होते हैं। और डबल बॉन्ड वो होते हैं जिनमें दो होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जिनमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोर इलेक्ट्रॉन, जो हमारे केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट नहीं लेते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो उन्हें कहते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, केमिकल रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होना चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं, क्लियर। इसके बाद सहसंयोजक यौगिक भी पढ़े, यानी कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो भी देखे हमने, आयनिक कंपाउंड भी देखे कि हमने दान दिए वो भी, फिर उसके बाद में कि हमने फॉर्मूले भी बनाए, फॉर्मूले बनाने के बाद चार्ज भी देखे कि किसके ऊपर कितने चार्ज होते हैं, यानी प्लस माइनस के, फिर इसके बाद सहसंयोजकता यानी बैलेंसी निकाल के भी देखी, तो ये थे, और तत्व भी देखे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज से हमारी केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को बेसिक जो था केमिकल रिएक्शन का वो आप लोगों को पढ़ा दिया है। बाकी उपसंयोजक यौगिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हों, क्योंकि GS में, जनरल साइंस में, आप लोगों का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों ही आएगा, ठीक है। थैंक यू।